हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए रेडियो व दूरदर्शन बना पाठशाला। पिछले 1.5 वर्ष से चल रहे लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय बंद है। ऐसे में निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पठन पाठन की सुविधा प्राप्त हो रही है, लेकिन सरकारी विद्यालय के एंड्रॉयड मोबाइल विहीन बच्चों का पठन पाठन बाधित हो रहा है। राज्य सरकार ने छात्र छात्राओं के पठन पाठन सुचारू करने के लिए एक बार फिर से रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से कक्षा लेने की व्यवस्था बनाई है। सोमवार से एंड्रॉयड मोबाइल विहीन बच्चों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। दूरदर्शन में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक व दोपहर बाद 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल 3 घंटे पहले से 12वीं कक्षा तक का संचालन किया जाएगा। एक बार फिर से दूरदर्शन व रेडियो का सहयोग लिया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए दूरदर्शन व रेडियो पर कक्षा शुरू की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज इन जिलों में भारी बारिश के असर अगले 5 दिनों तक असर रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसका असर भी दिख रहा है। इसका आने वाले दिनों में भी असर दिखेगा। राज्य में दिन में धूप खिल रही है और दोपहर के बाद बारिश हो रही है। इससे वज्रपात की आशंका रहती है। मौसम विभाग ने इससे बचने की सलाह दी है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना है। वहीं राज्य में उत्तरी व पश्चिम भागों में आज भारी बारिश की संभावना है। बोकारो, चतरा, धनबाद, गढ़वा, पलामू में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। वहीं कल भी जो है पश्चिम हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पेट्रोल डीजल की कीमतों ने दिया सबसे बड़ा झटका। शनिवार को हो गई भारी बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान आम लोगों को कल फिर तेल कंपनियों ने बड़ा झटका दिया है। शनिवार को दोनों ईंधनों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। कल जो है 26 जून को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35-35 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल का दाम जहां 98.11 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है, वही डीजल भी 88.65 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। बात करें जो है झारखंड की, जो झारखंड की राजधानी में पेट्रोल जो है 93.82 रुपए पर पहुंच गया है, वही डीजल भी 93.57 रुपए पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिजल्ट रद्द होने के बाद ही स्टूडेंट दे सकेंगे फिर से परीक्षा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट से जो छात्र छात्रा असंतुष्ट होंगे वह अपना रिजल्ट रद्द करवाने के बाद ही फिर से परीक्षा दे सकेंगे। उस परीक्षा में जो भी अंक उन्हें आएंगे वही मान्य होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने शनिवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के रिजल्ट तैयार करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस गाइडलाइन के आधार पर स्कूलों को तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी औपचारिक सहमति नहीं मिल सकी है। सरकार की ओर से अनुमति मिलने में देरी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 जुलाई के पूर्व 10वीं और 12वीं तक का रिजल्ट जारी करने के फैसले को देखते हुए जेक ने SOP जारी किया है। जेक ने स्पष्ट कहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वैसे छात्र छात्रा जो रिजल्ट जारी होने के बाद उनसे संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें आगे होने वाली परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मौसम की मार, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। लातेहार में 2 खड़े थे महुआ पेड़ के नीचे। बारिश के साथ तेज गरज के साथ शनिवार की शाम गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 पलामू से हैं और 1-1 लातेहार व जामताड़ा से शामिल हैं। वहीं पलामू में बकरी चरा रहे 3 चरवाहे भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल हुए हैं। लातेहार की घटना में 2 व्यक्ति महुआ पेड़ के नीचे खड़े थे और इसी दौरान वे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। मृतकों में पलामू के जो है पांडू करमाडी गांव निवासी वशिष्ठ सिंह 58 वर्षीय, शिव पूजन चंद्रवंशी 40 वर्षीय और हैदरनगर थाना के जो है खरगाड़ा पंचायत अंतर्गत चेचरिया गांव निवासी विजय सिंह 35 वर्षीय के रूप में किया गया है। इधर लातेहार के बालूमा थाना के जो है कुरियामा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से रविंदर यादव 25 वर्षीय की मौत हो गई है। वहीं इधर जामताड़ा के नाला प्रखंड के धोबना पंचायत अंतर्गत जो है जामबेदिया गांव में वज्रपात की चपेट में आने से ममता बावरी 40 वर्षीय की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन शुरू। साप्ताहिक बंदी में इन्हें मिली छूट। कोरोना वायरस संक्रमण में सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार द्वारा घोषित साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यानी 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लगा गया है। यह लगातार 3रा सप्ताह है जब 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन की इस अवधि में दूध व मेडिकल संबंधित दुकानों, अस्पताल, नर्सिंग होम को छोड़कर राज्य की सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेगी। इस
अवधि में बेवजह निजी वाहन से निकलने पर रोक होगी। सिर्फ मालवाहक वाहन को ही जो है चलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन की इस अवधि में अगर आप बाहर निकलते हैं तो जो है आपको इसका वैध कारण बताना होगा और साबुत भी दिखाना होगा, जैसे इलाज का पर्चा, वैक्सीनेशन, रेलवे व एयरपोर्ट संबंधित टिकट आदि। सोमवार की सुबह 6 बजे के बाद पहले की तरह सभी दुकान खुल जाएगी जो शाम 4 बजे तक खुलेगी। बता दें कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया है। आगामी 30 जून के बाद यह निर्णय होगा कि 1 जुलाई के बाद राज्य में कहां कितनी ढील दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में अब 50 रुपये में होगा शादी का रजिस्ट्रेशन। रांची नगर निगम में शुरू हुआ मैरिज रजिस्ट्रेशन। रांची में अब मात्र 50 रुपये में मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए कोर्ट कचहरी कहीं का चक्कर नहीं लगाना होगा, पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। यह सुविधा रांची नगर निगम की तरफ से शुरू की गई है। यहां रजिस्ट्रेशन के लिए jharseva.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद तय जाँच प्रक्रिया के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें केवल वही लोग आवेदन कर सकेंगे जो रांची के वाले हैं। दूल्हा या दुल्हन में किसी एक का रांची का होना अनिवार्य है। विवाहित जोड़े में कोई भी जो है मानसिक असंतुलन का शिकार नहीं होना चाहिए। दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 माह फिर से बढ़ाई गई पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन। केंद्र सरकार की तरफ से जनता को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी समय सीमा 3 माह के लिए बढ़ा दी है। अब नागरिक 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त जो है राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। पहले यह डेडलाइन 30 जून तक थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 राज्यों में सामने आए मामले। जानिए झारखंड में इसके लिए तैयारियों को लेकर क्या बोले वैक्सीनेशन इंचार्ज। कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव होने के साथ ही डेल्टा प्लस वेरियंट ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तीसरी लहर की चर्चा के बीच कोरोना का डेल्टा प्लस वेरियंट केंद्र और राज्य सरकारों के लिए टेंशन बनता दिख रहा है। इन सब के बीच न्यूज एजेंसी NI की रिपोर्ट के मुताबिक रांची जिले के वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर बिमलेश कुमार ने कहा कि देश के 8 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर बिमलेश कुमार ने आगे कहा है कि झारखंड में हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले की जो है टेस्टिंग और ट्रेसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसके खिलाफ लड़ाई के लिए कारगर उपाय किए जाएंगे जिससे जो है संक्रमण की रोकथाम में सफलता हासिल हो सके। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ फिलहाल लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर की तैयारी। झारखंड में बच्चों के लिए 300 से ज्यादा बेड बनकर तैयार। सीएम हेमंत सोरेन खुद कर रहे हैं तैयारियों की निगरानी। झारखंड में कोरोना की फिर जो है दूसरी लहर जैसी स्थिति ना हो जाए इसे ध्यान में रखते हुए सरकार तीसरी लहर से बचाव के लिए पुख्ता तैयारी कर रही है। राज्य में बच्चों के लिए लगभग 300 से ज्यादा बेड जो है तैयार कर लिए गए हैं। सीएम खुद पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक रांची में 27 बेड का PICU वार्ड पूरा हो गया है, वही 40 और PICU बेड का काम चल रहा है। पूर्व सिंहभूम में 30 जो है PICU बेड के जो है विकास का कार्य प्रगति पर है और कोडरमा जिले में 20 बेड की PICU सुविधा पूरी हो चुकी है। गिरिडीह और हजारीबाग जिले के विभिन्न CHC और सदर अस्पताल में 130 बिस्तरों वाला सुविधा युक्त बाल वार्ड विकसित हो रहा है और धनबाद और खूंटी में 70 से अधिक PICU बेड का काम पूरा होने के करीब है। राज्य के सभी सदर अस्पतालों व कुछ CHC में PICU विकसित किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमित मरीजों को उनके गाँव के समीप बेहतर इलाज मुफ्त में मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान और कोविड की स्थिति को लेकर बैठक की। कहा सुनिश्चित करें कि परीक्षण की गति कम ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वैक्सीनेशन अभियान और कोविड की स्थिति की प्रगति की समीक्षा के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि देश के 128 जिलों ने 45+ आबादी के 50% से अधिक का वैक्सीनेशन कर लिया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षण की गति कम ना हो या सुनिश्चित करें। बैठक में अधिकारियों ने देश में वैक्सीनेशन की प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री को आयोग के अनुसार वैक्सीनेशन कवरेज के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री को विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर और आम आबादी के बीच वैक्सीनेशन कवरेज के बारे में भी जानकारी दी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मध्यमा परीक्षा के लिए विद्यार्थी कब तक जमा कर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। जैक ने तय की यह तारीख। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने मध्यमा परीक्षा 2021 के लिए पंजीयन व परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के साथ आज से 8 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं और विलंब शुल्क के साथ 9 जुलाई से 16 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है। यह परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मध्यमा परीक्षा 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि का ऐलान कर दिया है। इसके अनुसार आज से जो है विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन
कर सकते हैं और परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा पुलिस की कार्रवाई, PLFI जोनल कमांडर के घर से किया हथियारों का जखीरा बरामद। कार्रवाई के दौरान फरार मिला आरोपी। किसको थाना पुलिस ने PLFI उग्रवादी संगठन के जोनल कमांडर जो सेमाडीहा निवासी संदीप उरांव उर्फ संदीप भगत के घर से छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। SP प्रियंका मीना को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की शाम यह कार्रवाई की गई है। हालांकि इस दौरान संदीप उरांव फरार मिला। पुलिस ने उसकी दो पत्नियों को पकड़ा है। .315 की 5 राइफल, 8 MM का 10 कारतूस बरामद की है। PLFI के सक्रिय सदस्य द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। इससे पहले ही पुलिस ने हथियार जो है बरामदगी करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑफलाइन परीक्षा विरोध में आसू ने रांची विश्वविद्यालय में की तालाबंदी। रांची विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने के फैसले के विरोध में आसू ने शनिवार को रांची विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद आसू के विद्यार्थियों ने कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार से ऑफलाइन परीक्षा नहीं लेने की मांग की है। इस पर कुलपति ने कहा कि वे आसू की मांग से राज्य सरकार को अवगत कराएगी। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर लिया जाएगा। मौके पर प्रदेश सचिव ओम वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा ऑफलाइन लेने से विद्यार्थियों का स्वास्थ्य जो है प्रभावित होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर वामपंथियों ने केंद्र सरकार का किया विरोध। कृषि बचाओ, संविधान बचाओ, देशद्रोही कानून वापस लो की मांग को लेकर वामपंथियों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। अखिल जो है भारतीय आह्वान पर हजारीबाग में वामपंथी पार्टियों ने मांग दिवस मनाया। देश के कृषि को बचाने के लिए देश के किसानों का चल रहा अखिल भारतीय आंदोलन 200 दिन पूरा हो चुका है। इस दौरान जो 300 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों से आज तक वार्ता को तैयार नहीं हुई है, जिसके चलते देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार अपने दो गुजराती मित्रों को अमीर बनाने के लिए 3 काले कृषि कानून लाए हैं, जिसका विरोध देश भर में हो रहा है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है संविधान के ऊपर लगातार हमले कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।